माय टू फैमिली। तो वेलकम है आप सभी का रश्मि चौधरी के ब्लॉग में। तो उम्मीद करती हूं सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। सो गाइज, आज मेरी मॉर्निंग थोड़ी सी लेट हुई थी बिकॉज कल मतलब मैं सोच रही थी कि मैं टाइम से सो जाऊंगी, लेकिन गर्मी की वजह से मैं नहीं सो पा रही थी। मतलब लगभग दो कितना 3 बजे के आसपास मैं सोई होंगी। मतलब 2 बजे तो मैं उठ के जाके मतलब मैंने पूरा अपने आप को गीला किया और फिर उसके बाद जाके मैं ऐसे ही जाके सो गई। मतलब तब जाके मुझे नींद आई, अदरवाइज नींद ही नहीं आ रही थी। मतलब सच में मतलब बहुत गंदी वाली गर्मी है, बिल्कुल भी ना हवा है ना कुछ भी है, इरिटेशन वाली होती ना वो वाली गर्मी है कसम से। और अभी मैं जा रही हूँ अपने भाई के पास में क्योंकि आज बहुत सारे काम हैं, और अभी ना मुझे शाम को लगभग 4:30-5 बजे मुझे किसी काम से बाहर जाना है। तो आज मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पाऊंगी, बहुत 4-5 मिनट का ही व्लॉग बन पाएगा मेरा। तो अभी मैं जा रही हूँ, ये मेरे एक्चुअली छोले बच गए थे कल के, तो वेस्ट ना हो जाए इसलिए मैं भाई के पास जा रही हूँ देने के लिए। तो वहीं पे उसी के साथ मैं खाना खा लूँगी। और आज हमारी डिंकी और डिंकी की मम्मी भी साथ में आ रही हैं, तो पता नहीं मैं मिल पाऊंगी नहीं मिल पाऊंगी क्योंकि मुझे लेट हो जाएगा आने में इसीलिए। तो बस अभी देखते हैं क्या होता है कैसे है, और वो वेट करा जाते हैं, बाद में मिलते हैं आपसे उसी के पास में जाके। नहीं तो सुना देगा फालतू, मेरा भाई इतना सुना देता है ना, नहीं तो इतना गुस्सा करता है उसके अंदर ना, इंतजार कर मतलब वो वेट ही नहीं कर सकता किसी का भी। तो नहीं तो सुनने से अच्छा जाती हूँ पहले आपसे, तो बाद में मिल लूंगी। गाइस मैं आ गई हूँ यहाँ पे कोमल के घर, यहाँ पे वापस पता नहीं किसी के लिए आलू पूरी की तैयारी कर रही है, और यहाँ पे मेरे लिए इसने तैयार कर दिया दही भल्ले। ये थैंक यू बल्ले बल्ले। मतलब जब से पापा ने खिलाया ना तब से कोई ना कोई खिलाते रहता है। सो यम्मी, अभी खा के देखना पड़ेगा कैसा है। धन्यवाद कोमल श्रीवास्तव जी, धन्यवाद। पहली बार बनाया, लेट्स सी कैसा होता है। अच्छा बना, वो शक्ल देख के लग रहा है। तो गाइस मैं आ गई हूँ भाई के पास में, और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो सुबह कह रही थी कि मतलब मुझे 4 बजे निकलना है बाहर जाना किसी काम से, तो मैंने किसी रीजन से मैंने मना किया है, और क्योंकि भाई का भी हेल्थ खराब हो गया था, उसको बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था गर्मी की वजह से। तो बस, और अभी डिंकी और डिंकी की मम्मी आने वाली हैं। मेरा भाई पता नहीं क्यों हंस रहा है। ये क्यों हंस, तुम किस बात से हंस रहे हो पहले ये बताओ। तो बस तो बस अभी हम उनका वेट ही कर रहे हैं, बस आने वाले हैं कुछ टाइम में दोनों, आंटी और डिंकी। तो तू कुछ भी लगा लेता और स्पीकर भी बजाता है, लोग ये हेडफोन लगा के ब्लूटूथ लगा के सुनते हैं, तो स्पीकर लगा के सुनता है। तब तू थोड़ी थी, हाँ उल्टा है ये, गाने लगा भजन लगा, शाम का टाइम है भाई ना, भजन लगाओ, ऑन करते हैं हम इसका भजन सुने। तो चलिए गाइस अभी हम वेट करते हैं, अभी उनको कुछ नहीं है। तो गाइज यहाँ पे आ गई हमारी डिंकी जी, जिनको तुम बहुत अच्छे से जानती हो सब लोग, जो कि हमारी ननद, देवरानी, भाभी सब बनती हैं, सौतन भी बन जाती हैं, जिस जो सब लोग बोलते हैं कि दोनों बहनें लगती हैं या एक लगती हैं। और ये हैं इनकी मम्मी जी। हाय आंटी, हमारे ब्लॉग में सबको हाय करो, सब बच्चों को अपना आशीर्वाद दो। बाय पापा। पता है मतलब तुमसे थोड़ी मतलब आंटी पे तुम थोड़ी कम गई हो, गोल्डी ज़्यादा लगती है। अच्छा, गोल्डी बहुत ज़्यादा मैच होती है मतलब आंटी से, बहुत ज़्यादा। हाँ हाँ। और गाइज ये लड़का ले रहा है डिंकी से पार्टी। किस बात की? स्कूटी ली है इसने 1.5 लाख की। भाई तो 1.5 महीना हो गया उसको लिए हुए। हमको तो अभी पता चली, आंटी ने बताया इसने तो। ये सही, वो जो सही बोलते हैं ना कि नहीं, आज आंटी पूरी रात में ना सारे भेद खोल देंगे डिंकी ने। कि हाँ तो भाई ये तो जो तुम सुनो, बैंक बैलेंस कितना है मेरे, जो तुम 2 घंटे में गई हो ना, बहुत सारे बताया है। कि पहले अंकल की इतनी सैलरी थी, अभी इतनी सैलरी है। बताइए आंटी, मैं बताऊं पहले बहुत थोड़ा था, 15 था, अब तो ज्यादा हुआ है, अब ज्यादा हो गया, अब ज्यादा हो गया, अभी ज्यादा बताइए बताइए बताइए। तो ना सच में सबकी मम्मी है ना सेम होती है, सब कुछ बता देती है।
ए लड़की क्या ढूंढ रही हो तुम? यार मुझे सामान ही नहीं मिल रहा इसके घर में। ये देखो ये पता नहीं क्या ढूंढ रही है। जीना कहाँ है? जीना अच्छा कॉफी अच्छा मैं यहाँ पे रखा है, मैं सामने ढूंढ रहा हूँ। मिल गया जीना। यहाँ बन रहा है क्या? प्याज टमाटर हरी मिर्ची इसको सबसे पहले मिल गई। मिर्ची तो भाई तू कहीं पे भी रख दे मिल जाएगी। गोभी आलू इधर हो गया दाल। अब पता नहीं क्या ढूंढ रही है, अब क्या ढूंढ रही हो? ये कुछ भी से ज्यादा ऊपर मत दे, यहाँ पे आके बना मैं अच्छा अब चली जाती, अच्छा तो चली जाती, बना था तू अकेला फिर यहाँ पे। थैंक यू बोल कि मैं रुक गई डिंकी के लिए। नहीं फिर डिंकी लगी रहती नहीं फिर रोहित लगाता क्यों लगी रहती डिंकी भाई आज मैं से रोटी बनवाते हैं। बनाता है? अच्छा तंदूरी रोटी ऑसम। तो फिर चलो बनवाते हैं है ना। हाँ चलो तंदूरी रोटी बनाओ। नहीं नहीं उससे बन जाएगी। चलो तो तुमने तो बोला अच्छी बनती है। तुम जला हुआ खा लेंगे। चलो तंदूरी रोटी बनेगी। कौन कौन खाएगा? तंदूरी रोटी वहाँ पे होटल में खाना चाहते हैं। तंदूरी रोटी 15 रुपए एक रोटी का देते हैं। घर में हमको फ्री में मिलेगी, हमको क्या चाहिए है? तो क्या अब वो कल की अब क्या ढूंढ रही है उसको? देखो ये अपने भाई के घर में इतनी परेशान हो गई सामान ढूंढने में। वो भी मायका ही है। हाँ तो कहाँ है ससुर हस्बैंड पता नहीं कहाँ है। यहाँ तो भी ठीक है। सामने देखो ये मेरे घर में जाके देखो। हाँ तुम्हारे घर में है। तुम्हारे घर के पास हम लोग पानी पूरी खाने गए थे और गली में ही गर्मी लग रही है। यहाँ पे तुम नीचे निकलोगी ना सोसाइटी के बाहर इतनी हवा लगती है ना। अभी हमारे को एक मौका मिला खुशखबरी। इसके चेहरे पे आप खुशी देख रहे हो उसका राज क्या है? रश्मि अब मैं रिवील करती हूँ क्या राज है। अभी अभी मैंने एक फ्रिज खोला। जैसे फ्रिज खोला मेरी नजर पड़ी इस फटे हुए दूध पे। अब इस फटे हुए दूध को देख करके हम हो गए खुश। अब इससे बनेगा क्या? सब्जी खाने के लिए पनीर भुर्जी। पनीर भुर्जी किस किस को पनीर भुर्जी पसंद है कमेंट करके जरूर बताओ। मुझे पसंद है पनीर भुर्जी। ये अब हम उसको रख देते हैं। अब हमारे इसमें ऐड हो गया डिश में ये है ना। अब हमारे पास पनीर भुर्जी और दाल आलू गोभी तीन तीन सब्जी हो गई है। ये वैसे हम मुझे तीन उंगली करनी थी, ये चार क्यों जा रही है? तंदूरी रोटी का हो गया। हाँ पॉइंट सही बोले यार। रूम में एसी लगाना पड़ेगा। देखो गर्मी की हालत गाइस। ठीक एसी की पार्टी एसी की पार्टी भी देनी पड़ेगी। जो जो पार्टी देनी है ना तुम दोगी लगाओगी तो मैं तुमसे बात कर रही हूँ। एसी का पार्टी रहता है तो मिलूंगी ना तुम्हारी स्कूटी की पार्टी तुम्हारी एसी की पार्टी और क्या क्या लिया तुमने अभी? बस दो ही सामान लिया। बस तो अभी तुमने कटे वटे लिए हाला। अभी रुको पार्टी लेते हम। अभी मैं गाइस अभी मैं पार्टी की लिस्ट बनाती हूँ उसके लिए पहले क्योंकि ये फ्लैट की पार्टी ठीक है। लिया है? हाँ इसने स्कूटी पहले ली थी उसकी पार्टी बाकी है। मैंने सेकंड हैंड लिया था। तो क्या हुआ स्कूटी लिया था ना तो हम सेकंड हैंड पार्टी ले लेंगे कोई बात नहीं। थोड़ा तुम थोड़ा जूठा कर लेना मैं खा जाऊंगी। नहीं सेकंड हैंड पार्टी मतलब तुम पिज्जा का एक बाइट लेना ऐसे काटना बाकी मेरे को दे देना तो वो सेकंड हैंड हो जाएगा। गलत बात एक दो स्वीट कॉर्न उठा खा लेना। हम लोग चोरी छुपे बातें सुनने आए थे यहाँ पे क्या बात हो रही है। तो मम्मी कह रही कि मोटा हो गया है। ये पहले ऐसा दिखता था। हाँ पहले ऐसा था कितना अच्छा दिखता था अब मोटा हो गया। ये तो मसाला लग गया तुम जाओ जिम में बेइज्जती करवा तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो गाइज हमारा खाना रेडी हो गया है जो कि आलू गोभी की सब्जी। हाँ लेके आना जो लेके आना है।
और यहाँ पे दाल पनीर नहीं बना पाई बिकॉज बर्तन कम थे इसीलिए। तो हम खाना खाते हैं, बहुत जोर से गर्मी और भूख लग रही है। तो गाइस डिंकी कुछ बोलना चाह रही है आपसे। तो गाइस बज गए रात के 2, बहुत टाइम हो गया, सब सो जाइए, गुड नाइट। हाँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। हम तो नहीं सोने वाले हैं। हाँ। तो हम क्या करने वाले हैं वो देख लीजिए, अगला ब्लॉग जरूर देखिए, इसी ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे, टू बी कंटिन्यू।